भी पौधों के विकास के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक होता है। ये पोषक तत्व ही हैं जिन पर फसलों की पैदावार निर्भर करती है। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए 16 पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जाता है। कोई भी फसल हमारे किसान भाई लगाते हैं तो उनका उत्पादन एक लक्षित उत्पादन जो होता है उसको लेना है तो उसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व प्रबंधन के दौरान जैसे कोई भी फसल हमारे किसान भाई लगाते हैं तो उसमें 16 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए और मिट्टी से 13 प्रकार का पोषक तत्व लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के किसान भाई क्या है कि जितना उनके पास गोबर खाद है वो डाल दिए, जो उनके पास रासायनिक खाद का जो उनके पास प्रबंधन हुआ उसको डाल दिए। लेकिन हमारे किसान भाई क्या है, बीज अच्छा लगाते हैं क्योंकि उनको दिमाग में रहता है कि हमको उत्पादन अच्छा से अच्छा लेना है। लेकिन कोई भी फसल जब उत्पादन अच्छा देती है या लक्षित उत्पादन देती है तो उसको जब तक पोषक तत्व अच्छा नहीं मिलेगा तब तक उत्पादन नहीं मिलेगा। इस दिशा में जो हमारी खास करके दलहनी और तिलहनी फसलें होती हैं इसमें हमारे किसान भाई जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है उसका प्रबंधन नहीं करते हैं। बस हमारे किसान भाई जनरली प्राथमिक पोषक तत्व DAP यूरिया पोटास का कर देते हैं। लेकिन उसमें भी हमारे किसान भाई यूरिया का ज़्यादा ध्यान देते हैं और पोटास और फास्फोरस का भी ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई यदि अपनी सरसों की फसल में दलहनी फसल में सल्फर का प्रबंधन अच्छा करें तो उससे उत्पादन अच्छा मिलेगा क्योंकि हमारी दलहनी तिलहनी फसलों में सल्फर का आवश्यकता होता है ज़्यादा। उसके साथ साथ यदि सल्फर उपयोग करते हैं तो दलहनी और तिलहनी फसलों में जो फफूंदी जनित बीमारी आती है या हमारी ये रबी मौसम की फसलें जो होती हैं इनमें ठंडा का जो असर होता है ये भी असर यदि हमारे किसान भाई सल्फर का प्रयोग करते हैं। सल्फर प्रयोग करने का दो तरीका है। यदि हमारे किसान भाई फसल लगाने के पहले सॉयल एप्लीकेशन में कर दें सल्फर, यदि मिट्टी जाँच के अनुसार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं हमारे किसान भाई 10 kg से लेकर के और 20-25 kg तक का सल्फर का प्रयोग सॉयल एप्लीकेशन कर सकते हैं। तिलहनी और दलहनी फसलों की खेती करते वक्त अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्राथमिक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के इस्तेमाल के बावजूद फसलों की बढ़वार अच्छी नहीं होती। ऐसे में ये अति आवश्यक है कि किसान भाई इन फसलों में सल्फर के 20 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अब हमारे किसान भाई जब कोई भी अपने खेत में कभी क्या होता है कि वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट को DAP यूरिया दे रहे हैं लेकिन उनका फसल सुधार नहीं हो रहा है तो उस समय वो क्या होता है कि मार्केट में जाते हैं कहते हैं हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट दे दीजिए, कोई टॉनिक दे दीजिए। तो टॉनिक मीन्स होता है कि बाजार से उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट ही दिया जाता है तो अब उसमें वो लाके डालते हैं तो देखते हैं अच्छा हो गया है। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई वहाँ DAP डाल रहे हैं यूरिया डाल रहे हैं लेकिन उनके फसल में ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, पत्तों में अच्छा हरापन नहीं है और पत्तियां कुछ कर्लिंग टाइप होने लगी हैं तो उस समय उनको समझ जाना चाहिए कि हमारे इसमें कोई ना कोई प्राइमरी न्यूट्रिएंट के बजाय किसी दूसरे पोषक तत्व की कमी है जी। अब उस दिशा में हमारे किसान भाई यदि कमी नहीं भी है, यदि हमारे किसान भाई अपने दलहनी और तिलहनी फसलों में सल्फर का यदि अभी तो फसल लगा दी हमारे किसान भाई यदि उसमें वो सल्फर का घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो उनका उसमें काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। खड़ी फसल में वो कर सकते हैं। खड़ी फसल में करने के लिए किसान भाइयों को हमारे 2% सल्फर का घोल बनाएं जो 90% पानी में घुलनशील आता है। बहुत सारे बाजार में मार्केट के नाम से आते हैं, सल्फेक्स का आता है, साल्वर करके आता है, यदि उसको ला करके हमारे किसान भाई 2% का घोल बना करके मीन्स कि 1 लीटर पानी में 20 ग्राम तक का यदि घोल बना करके हमारी दलहनी और तिलहनी फसलों में डालते हैं तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा।